बट देन एट द सेम टाइम हमारे सामने ये डॉक्टर फुरकान का वाकया होता है, तो इससे क्या सीखा जा सकता है, क्या मजीद हमें अभी तैयारी में जो है कमी है, हमें इसको अप टू द मार्क लेके जाना है, अभी भी हम बिहाइंड है, क्या हमारी अवाम को वो अभी इस लेवल तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ही नहीं की गई कि व्हाट टू डू नेक्स्ट इन दिस सिचुएशन? देखो नीलम, इसमें बड़ी सिंपल सी बात है कि सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को एक काम करना चाहिए कि वो टीवी के ऊपर एडवर्टाइज करें लोकल एरिया के। लेट से इफ आई टॉक अबाउट पंजाब की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि गुलबर्ग के एरिए में दिस इज द हॉस्पिटल विच हैज कॉल फॉर COVID-19 अरेंजमेंट्स। लाइक वाइज आप और डिफरेंट ले लें, कैंटोनमेंट का एरिया ले लें, मॉडल टाउन का एरिया लें, इवन इंटीरियर सिंध का इंटीरियर सिटी का एरिया लें। इसी तरह कराची की बात की है, नाजमाबाद, सदी बे एरिया, उसके बाद डिफेंस एरिया, दे हैव टू गिव फोन नंबर्स एंड लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दोज हॉस्पिटल, ताकि वो लोग सीधे उस एरिए के उसी हॉस्पिटल में जाएं जहाँ हमने 50 या 100 लोगों का COVID-19 का बेडेड बेडेड हॉस्पिटल बनाया हुआ है, ताकि वहाँ का उनका पैरामेडिक्स डॉक्टर देर आर फुली इक्विप्ड एंड दे आर वेटिंग फॉर द पेशेंट टू गिव हिम नेसेसरी इमीडिएट एड जो भी उनको चाहिए। होता ये कि हम बहुत कह रहे हैं कि हमने 1000 बेड का हॉस्पिटल बना दिया, व्हाट इज द पर्पस? जब एक डॉक्टर फुरकान जैसा इंसान और उसकी फैमिली देखे, उनकी उनकी फैमिली की प्लाइट देखें, वो कितने परेशान होंगे। अगर उनको पहले ही पता होता कि वो नाजमाबाद से रहने वाले हैं और नाजमाबाद में जियाउद्दीन हॉस्पिटल है या और एनी अदर हॉस्पिटल जो ईयर मार्क कर दिया गया है कि ये यहाँ पर COVID-19 के पेशेंट आएंगे, तो दिस प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व। दीज आर ऑल डूएबल थिंग्स।